सरकार का यह आदेश कोरोना के बढ़ते खतरों का मद्देनजर जायजा हो सकता है, लेकिन दवा व्यवसायियों के लिए परेशानी का सबक बन गया है। दवा व्यवसायी कहते हैं कि सर्दी बुखार की दवा लेने आने वाले अधिकतर लोग आसपास के ही होते हैं। ऐसे में उनका नाम पता दर्ज करना सिर्फ अव्यवहारिक हो जाता है, बल्कि इससे कोरोना के प्रति भी लोग पैनिक हो उठते हैं। दवा व्यवसायियों का कहना है कि कोरोना के मद्देनजर वो हर व्यवस्था करने के लिए तैयार है। ऐसे में सरकार को भी चाहिए कि वो कोरोना को पैनिक ना बना कर उसकी जांच की व्यवस्था करे। कहते हैं कि इसको सरलीकरण किया जाए और जो व्यवहारिकता में चीज़ आती है उनका पूरा पालन किया जाए, जिससे किसी भी कस्टमर को दवा लेने में बुखार सर्दी जुकाम की कोई दिक्कत ना पैदा हो। आप लोगों ने अध्यक्ष जी से क्या बात रखी है इस चीज़? अध्यक्ष जी से हम लोगों ने ये बात रखी है कि इसका सरलीकरण जितना जल्दी हो सके वो कराया जाए, जिससे हम लोगों का व्यापार प्रभावित ना हो और ना ही किसी कस्टमर को कोई तकलीफ होती है। हर मोहल्ले वाइज और मोहल्ले के दुकानदार कस्टमर अक्सर मोहल्ले से ही सामान खरीदता है। अब वो जब वहाँ जाता है तो उससे कहा जाता है, जब सर्दी जुकाम की दवा हमेशा जैसे अभी तक मांगता आया है, जब वो मांगता है उससे जब कहा जाता है कि रजिस्टर में आपका नाम लिखा जाए, मोबाइल नंबर, तो उसके अंदर एक घबराहट आती है कि मुझे कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, जबकि ये कोरोना का चूँकि सिम्टम्स इसी चीज़ से शुरू होता है इसलिए और घबराहट होती है। तो ये सरकार जो ये कर रही है इसको ये पैनिक बना रही है। सरकार को इसको विड्रॉ करना चाहिए, टेस्टिंग का अपना कोई तरीका निकालना चाहिए कि जिससे हर आदमी की टेस्टिंग हो और वो पकड़ा जाए कि उसको कोरोना है कि नहीं, और सीधे जो रिटेल से दवा ले रहा है उससे ये लिखना कहीं ना कहीं परेशान करने वाली बात है और दुकानदार को भी परेशान करने की बात। दुकानदार से वो कस्टमर कहता है कि इतने जमाने से मैं पैदा हुआ हूँ, तुम यहीं पैदा हुए हो, मैं यहीं पे रहे हूँ, तुम मुझको सब जानते हो। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस।